क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा। स्टार्ट सर्चिंग डाटा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सर्चिंग डाटा फ्रॉम मिडिल ऑफ द लिस्ट, हम डाटा सर्च करेंगे मिडिल ऑफ द लिस्ट से। अगर तो हमारे पास मैच फाउंड हो जाएगा, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द आइटम एंड एग्जिट। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास आ गई हम उसको रिटर्न कर देंगे और हम उसको एग्जिट कर देंगे। इफ इट इज नॉट अ मैच, अगर तो ये मैच नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रोब की पोजीशन को सेट करेंगे। डिवाइड द लिस्ट यूजिंग प्रोबिंग फार्मूला एंड फाइंड द न्यू मिडल, हम डिवाइड करेंगे लिस्ट को प्रोबिंग फार्मूला के थ्रू एंड न्यू मिडल फाइंड करेंगे। इफ डेटा इज ग्रेटर देन मिडल, अगर फिफ्थ स्टेप में अगर तो डेटा जो है, जो डेटा हमने फाइंड करने के लिए दिया है इसको, वो बड़ा है मिडल से, सर्च इन हायर सब लिस्ट। वही वाली बाइनरी सर्च वाली बात है कि अगर तो मिडल बड़ा है तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे हायर सब लिस्ट के अंदर। अच्छा, ये डेटा अगर ग्रेटर देन मिडल है, यानी कि आपका जो मिडल है, मिडल वैल्यू है वो छोटी है, और जो आपका आप जो डेटा फाइंड कर रहे हैं वो बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, राइट एरे को जो है वो आपके पास, या फिर हायर सब एरे को जो है ना उसको आप उठाएंगे। इफ डेटा इज स्मॉलर देन मिडल, सर्च इज इन लोअर सब लिस्ट। ठीक है, रिपीट अंटिल मैच, कोई पुरानी बात है सारे। सिर्फ एक चीज में एडिशन है, वो ये फॉर्मूला है आपके पास। ये फॉर्मूला क्या करता है आपको, ये आपको नियरेस्ट वैल्यू पे लाके दे देता है। तो मैं काम करते हैं इस फॉर्मूले को हम उठा के, अच्छा एक मिनट पहले हम उसको देख लेते हैं, इसमें नीचे कहीं दिया हुआ। अच्छा, मैं काम करते हैं इस फॉर्मूले को हम उठा लेते हैं और इसको हम वहां पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारे पास वो जो एरे थी, या उस एरे को यहाँ ले आते हैं। काम करते हैं हम यहाँ पे सहरे को ले आते हैं। बात तो नहीं निकाल सो रहे, ठीक हो गया, हमने यहाँ पे ये एरे लेके आ गए। अब हमें काम करते हैं इसमें वैल्यू रख के और अपने फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो लो वैल्यू है हमारे पास, हमें फाइंड क्या करना है, 31। तो मिड हमारे पास पहले से, हमें मिड निकालना है, तो मिड निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, लो क्या हमारे पास 0 प्लस, हाई क्या हमारे पास 9 माइनस लो क्या 0, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास ए हाई क्या हमारे पास 44 माइनस ए लो क्या है हमारे पास 10, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स क्या हमारे पास 31 जो हमें फाइंड करना है, माइनस ए लो क्या हमारे पास 10। ठीक है, यही फार्मूला है, लो क्या हमारे पास 0, हाई क्या हमारे पास 9, लो क्या हमारे पास 0, ए हाई क्या हमारे पास, यानी कि हाइथ वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो 44 है, ए लोअर के ऊपर जो वैल्यू पड़ी वो 10 है, एक्स जो है वो हमारे पास 31 है जो हमें फाइंड करना है, और ए लोअर क्या हमारे पास वो 10 है। तो इसको फर्दर देखते हैं, ये हो गया 0 प्लस, ये तो हो गया 9 डिवाइड बाय 44 माइनस 10, कितना हो गया 34 मल्टीप्लाई बाय 31 माइनस 10, कितना हो गया 21। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास 9 डिवाइड बाय 34, ये हो गया 0.2647।
21 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5.5। उसको हम ट्रंकेट करेंगे तो ये आ गई वैल्यू 5। तो देखें हमने अगर इसको डायरेक्ट इसके ऊपर इस छोटे से एरे के ऊपर अगर हमने ये वाली वैल्यू हमने लगा दी प्रोबिंग वाली, तो क्या वो डायरेक्ट जाके इसने कहाँ पे पॉइंट किया है, आपको आपकी वैल्यू फाइंड करके दे दिए। और इस वक्त हमारा जो मिड है वो 5 हो गया और 5 पे हमें 31 मिल गया। ठीक है क्लास, तो ये बेसिकली ये प्रोब सेट करने का हमारे पास है जिसमें हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इस तरह के फार्मूले के थ्रू। लेकिन ये हर टाइम ऐसा नहीं होगा, समटाइम ये होगा इसके नियरेस्ट लेके आएगा ये। ठीक है, तो फिर आगे फर्दर जो है हम उसके ऊपर सर्च के ऊपर भी काम करेंगे, यानी कि जो एरे को हम सब एरो में डिवाइड कर रहे हैं, एक सब एरे अपर सब एरे और लोअर सब एरे के अंदर जो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्लास? मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस फार्मूले के थ्रू, या आप चाहें तो इस फार्मूले के अंदर इस एरे की वैल्यू या कोई भी एरे उठा के आप उसमें रख दें और उसकी वैल्यू को इस तरह से चेक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको चेक करके दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, सूडो कोड क्या है हमारे पास, ए हमारे पास एक एरे लिस्ट है। ठीक है, ए हमारे पास एक एरे लिस्ट है यानी कि एक एरे है, एन नंबर ऑफ साइज ऑफ एरे, एक्स क्या है टारगेट वैल्यू, प्रोसीजर इंटरपोलेशन सर्च, सेट लोअर इज इक्वल टू 0, सेट मिड इज इक्वल टू -1, सेट हाई इज इक्वल टू n-1। अच्छा n-1 इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में माइनस करेंगे तो वो हाई हमारे पास क्या होगा, हाई इंडेक्स वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और मिड -1 इसने हमारे पास किया हुआ है यानी कि मिड अभी कुछ है नहीं, व्हाइल x डज नॉट मैच। इसने मिड को -1 क्यों किया, -1 तो एरे से बाहर निकल जाएगा ये। अच्छा चलें खैर देखते हैं इसको, व्हाइल x डज नॉट मैच, अगर तो x मैच ना होगा तो क्या करो, इफ लोअर इक्वल टू हाई या a लो इक्वल टू a हाई, एग्जिट फेलियर, टारगेट नॉट फाउंड। ठीक है, ये वो पुरानी वाली बात है कि जो अभी सवाल किया था स्टूडेंट ने कि ये इक्वल वाला, देखें लो और हाई अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एग्जिट हो जाएगा। या तो ये होगा कि a एरे लो की जो वैल्यू है और एरे हाई के ऊपर जो वैल्यू है वो अगर दोनों इक्वल हो जाएंगी तो भी हमारे पास क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स तो फाइंड हुआ ही नहीं। अब इसके बाद ये वही फार्मूला है कि हमें मिड सेट करना, मिड सेट करने के लिए वो ऊपर वाला फार्मूला है इफ। अब अगर जैसे मैंने ऊपर मिड सेट किया है तो अगर इफ ए मिड इज इक्वल टू एक्स हो जाए, एग्जिट कर दो सक्सेस, जो हमारे कंडीशन में हुआ है क्योंकि हमें 5 मिल गया, तो 5 का मतलब है कि हमारे पास जो एक्स है वो मिड के बराबर है, तो टारगेट फाउंड एट मिड। एल्स इफ ए मिड इज लेस देन टू एक्स, सेट लो टू मिड +1। ये वही वाली पुरानी वाली बात है जो हम लोग बाइनरी सर्च के अंदर कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम इफ ए मिड यानी कि वो कह रहा है कि ए मिड अगर एक्स से छोटा है, ठीक है, और एक्स अभी भी बड़ा है, जैसे सपोज 31 है और यहाँ पे अगर हमारे पास 21 है, तो क्या करो, सेट करो लो टू मिड +1 यानी कि मिड के अंदर +1 कर दो। एल्स इफ अगर मिड हमारा बड़ा है, जैसे सपोज 44 है और एक्स हमारा 31 है, तो क्या करो, सेट हाई टू मिड -1। ठीक है, तो आप जो है वो हाई को क्या कर दो, मिड -1 सेट कर दो, यानी कि मिड में से एक निकाल दो। एंड इफ एल्स इफ एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम था उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के अंदर, और सॉरी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा था। सबसे पहले हमने देखा लीनियर सर्च के अंदर जो इश्यूज थे वो हमने रिजॉल्व किए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम से। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम मोर एफिशिएंट एंड मोर ऑप्टिमाइज अगेंस्ट लीनियर सर्च, और लीनियर सर्च के बाद जो है वो हमारे पास मोर ऑप्टिमाइज कौन सा था, बाइनरी सर्च के ऊपर मोर ऑप्टिमाइज, बाइनरी सर्च से ज्यादा थोड़ा बहुत बेहतर जो हमारे पास इम्प्रूव वेरिएंट है वो हमारे पास कौन सा है, इंटरपोलेशन सर्च। देखिए इंटरपोलेशन सर्च में आपने क्या किया कि अगर मैं इंटरपोलेशन सर्च का एक यहाँ पे मेथड लिखूं, ठीक है, ये वाला जो मेथड है, अगर ये मैं मेथड लिखूं और इस मेथड को मैं दो एरे पास, इस मेथड को मैं एक एरे पास करूं, ये एक एरे है, जस्ट सपोज ये एक एरे है,
ये मेरे पास एक एरे है, ये मैं इसी इस इंटरपोलेशन सर्च को पास करता हूँ कि इसमें से मुझे 31 फाइंड कर दो, और यही एरे मैं किसको पास करता हूँ, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को, कि मुझे इसमें से 31 फाइंड करके दे दें। तो मेरे ख्याल में हमारा इंटरपोलेशन सर्च यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम कर रहा है इसके मुकाबले में, हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की प्रॉब्लम मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इंटरपोलेशन सर्च ने हमें इस एरे का डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें जो है वो निकाल कर दे दिए कंपैरिजन में इसकी वैल्यू 31। तो हमारा ये एरे जो है इसके अंदर जो हमारा एल्गोरिथम है उसे वन टाइम ही रन होगा, जो व्हाइल लूप है वो हमारा एक ही दफा चलेगा, ठीक है, और हमारे एक फर्स्ट इफ एल के स्टेटमेंट से ही हमारे पास हमारा जो रिजल्ट जनरेट होकर आ जाएगा। लेकिन बाइनरी सर्च में हमारे पास ऐसा नहीं था। बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास क्या था, तो बाइनरी सर्च में हमारे पास कितने चले थे, हमारे पास लूप कितनी दफा हमारे पास इफ का कंपैरिजन चला था, हमारे पास 3 दफा कंपैरिजन था। तो कंपैरिजन की हमारे पास एक कॉस्ट होती है, ठीक है क्लास। ये था हमारे पास इंटरपोलेशन सर्च। इसके बाद इंटरपोलेशन सर्च हमारे पास कंप्लीट हो गया।